नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 10 सितंबर 2023 से 17 सितंबर 2023 के बीच की। तो इस वीक के करंट अफेयर है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर एक है, उत्तराखंड में जियोग्राफिकल इंडिकेटर GI महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो उत्तराखंड में जो जियोग्राफिकल इंडिकेटर महोत्सव है, इसका आयोजन होगा 17 से 21 नवंबर को। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो 17 से 21 नवंबर 2023 को उत्तराखंड में जियोग्राफिकल इंडिकेटर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। डिटेल जान लेते हैं। तो जो जियोग्राफिकल इंडिकेटर महोत्सव है, इसका आयोजन 17 से 21 नवंबर 2023 के बीच देहरादून में किया जा रहा है और इसमें उत्तराखंड के 18 उत्पादों को जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिलेगा। तो 18 उत्पादों को GI टैग दिया जाएगा इस महोत्सव में। क्वेश्चन नंबर टू, G20 में भारत आए विदेशी मेहमानों को भेंट की गई पुस्तक में उत्तराखंड के कौन से मंदिर का वर्णन है? तो जो G20 में विदेश से आए मेहमान थे भारत में, तो उन्हें पुस्तक भेंट की गई, इसमें उत्तराखंड के किस मंदिर का वर्णन किया गया है? तो इसका सही जवाब है टपकेश्वर महादेव। तो टपकेश्वर महादेव मंदिर का वर्णन किया गया है इस पुस्तक में। तो दिल्ली में जो G20 समिट में भारत में आए जो विदेशी मेहमान थे, तो भारत सरकार की ओर से उन्हें भारत पर आधारित एक पुस्तक भेंट की गई और इस पुस्तक में भारत के कई मंदिरों के साथ कई स्थानों के बारे में बताया गया है। 55 पेज की यह पुस्तक है और इस पुस्तक के 40 नंबर के पेज पर देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर को स्थान दिया गया है। पुस्तक में टपकेश्वर महादेव मंदिर के इतिहास तथा इसके चित्र दर्शाया गया है। तो टपकेश्वर महादेव मंदिर के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, सिल्क एक्सपो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो जो सिल्क एक्सपो उद्घाटन है, ये किया गया है गणेश जोशी के द्वारा। तो इसका उद्घाटन, सिल्क एक्सपो का उद्घाटन गणेश जोशी द्वारा किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो गणेश जोशी कृषि मंत्री है और इन्होंने केंद्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय और भारत सरकार एवं उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन के तत्वाधान में जो आयोजित 7 दिवसीय सिल्क मार्क एक्सपो 2023 है, इसका उद्घाटन किया है। तो गणेश जोशी क्या है, ये कृषि मंत्री हैं और इन्होंने सिल्क एक्सपो का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर फोर है, हाल ही में गोविंद वल्लभ पंत की कौन सी जयंती मनाई गई? तो गोविंद वल्लभ पंत की इस बार 136वीं जयंती मनाई गई है। तो गोविंद वल्लभ पंत की 136वीं जयंती मनाई गई है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो गोविंद वल्लभ पंत है, इनका जन्म हुआ था 10 सितंबर 1887 को। गोविंद वल्लभ पंत ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे और भारत के चौथे गृह मंत्री भी बने। 1903 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना की थी और 1914 में काशी नगरी प्रचारिणी सभा की एक शाखा के रूप में काशीपुर में इन्होंने प्रेम सभा की स्थापना की थी। तो 1914 में प्रेम सभा की स्थापना गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा की गई थी। 26 जनवरी 1957 को इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो जो पंडित गोविंद वल्लभ पंत है, ये भारत रत्न पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं। उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न मिला हुआ है और इनकी इस बार 136वीं जयंती मनाई गई। क्वेश्चन नंबर फाइव है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कितने SDG अचीवर अवार्ड वितरित किए? तो SDG अचीवर अवार्ड वितरित किए गए हैं, तो 17 SDG अचीवर अवार्ड वितरित किए गए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। तो उत्तराखंड के सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग करने वाली जो 17 व्यक्तियों और संस्थाओं को SDG
अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एसडीजी क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीवर अवार्ड से 17 व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित किया गया है। इसमें 12 संस्थाएं हैं एवं 5 इसमें व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में गोपाल दत्त उप्रीति को पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार से किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? तो जो गोपाल दत्त उप्रीति हैं, इन्हें पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इन्हें जो सम्मान प्राप्त हुआ है, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो उत्तराखंड के जो गोपाल दत्त उप्रेति हैं, इन्हें महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने धनिया के पौधे की नई किस्म विकसित करने के लिए पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये पुरस्कार इन्हें धनिया के पौधे की नई किस्म को विकसित करने के लिए दिया गया है। जो गोपाल दत्त उप्रेति हैं, ये अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में रहने वाले किसान हैं और इन्हें कृषि क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, उत्तराखंड सरकार द्वारा उद्यान पंडित और कृषि भूषण, साथ में इनोवेटिव फार्मर अवार्ड, प्रगतिशील कृषक, ये सम्मान है जो जिन सम्मानों से गोपाल दत्त उप्रेति को सम्मानित किया गया है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में उत्तराखंड में सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस कहां पर खोला गया है? तो यह खोला गया है एम्स में, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो ऋषिकेश एम्स में CDSCO ऑफिस खोला गया है। तो जो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है CDSCO, इसने एम्स ऋषिकेश परिसर में अपना पहला कार्यालय ओपन किया है। जो CDSCO है, ये भारत का एक NRA है, नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसका विजन है भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से खारदुंगला चैलेंज किसने जीता है? तो खारदुंगला चैलेंज किसके द्वारा जीता गया है? सही जवाब इसका हितेश कुनियाल के द्वारा। तो हितेश कुनियाल ने खारदुंगला चैलेंज अपने नाम किया है। डिटेल जान लेते हैं, तो उत्तराखंड के चमोली जिले के रहने वाले हैं हितेश कुनियाल और इन्होंने वर्ल्ड हाईएस्ट हिमालयन खारदुंगला चैलेंज इसे जीता है। हितेश ने जो अल्ट्रा मैराथन रेस है खारदुंगला, ये 10 घंटे और 40 मिनट में पूरी की है और टोटल 72 किलोमीटर। तो ये चैलेंज 72 किलोमीटर का और ये दुनिया की सबसे ऊंची अल्ट्रा मैराथन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बेंगलोर में योनेक्स सनराइज 46वीं जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक किसने हासिल किया है? जो बेंगलोर में यूनेक्स सनराइज 46वीं जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ है, तो इसमें रजत पदक जीतने वाली हैं मनसा रावत और गायत्री रावत। तो ये दोनों हैं, तो ए और बी दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये दोनों बहनें हैं मनसा रावत और गायत्री रावत और इनकी जोड़ी ने रजत पदक जीता है। उत्तराखंड स्टेट बैडमिंटन संघ के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अलकनंदा अशोक और संघ के सचिव हैं BS मनकोटी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कितने स्कूली छात्रों के लिए विद्या समीक्षा केंद्र की शुरुआत की गई? तो विद्या समीक्षा, कितने विद्या समीक्षा केंद्रों की शुरुआत की गई है? 23.5 लाख, ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो 23.5 लाख स्कूली छात्रों के लिए विद्या समीक्षा केंद्र की शुरुआत की गई है। डिटेल जान लेते हैं, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं
धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया और देहरादून में 141 पीएम श्री स्कूल, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया और साथ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय की आधारशिला रखी है। जो विद्या समीक्षा केंद्र है, इसकी शुरुआत की गई थी गुजरात से, तो उस टाइम गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। और जो विद्या समीक्षा केंद्र है, ये जो मॉडल है, यह है प्रौद्योगिकी आधारित और आधुनिक डेटा संचालित एक मॉडल है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है? तो ये राज्य है उत्तराखंड, सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो उत्तराखंड ने हाल ही में सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है। तो उत्तराखंड सरकार ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है और इस नीति के तहत राज्य में 20 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना और 10 लाख श्रमिकों के कौशल विकास को सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति में जो निवेशक होंगे, इनके लिए प्रति प्रोजेक्ट 25% पूंजीगत सब्सिडी रखी गई है, साथ में भूमि का आवंटन का प्रावधान भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ पर बनाया जाएगा? तो दुनिया का जो सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा है, यह लद्दाख में बनाया जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो जो सीमा सड़क संगठन है बीआरओ, ये लद्दाख के न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण करेगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो भारत ने G20 की अध्यक्षता सौंपी है ब्राजील को। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है, क्योंकि ब्राजील में 2024 में G20 कार्यक्रम होगा और इसके लिए भारत ने ब्राजील को इसकी अध्यक्षता सौंपी है। तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने G20 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा, तो लूला डा सिल्वा को सौंपी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो जो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है, इसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर में गुजरात विधानसभा के राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन इसका शुभारंभ किया है और इसका उद्देश्य है पूरी तरह से कागज रहित विधानसभा प्रक्रिया को प्राप्त करना। तो ये इस जो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है, इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नौसेना दिवस किस किले में मनाया जाएगा? तो जो नौसेना दिवस है, ये मनाया जाएगा सिंधुदुर्ग किले में। तो सिंधुदुर्ग जो किला है, यहाँ पर नौसेना दिवस इस बार मनाया जाएगा। तो जो नौसेना दिवस है, ये महाराष्ट्र के कोंकण तट पर स्थित है सिंधुदुर्ग किला, और यहाँ पर मनाया जाएगा इस बार नौसेना दिवस। और इसका निर्माण किया था छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा। कोंकण तट पर जो स्थित सिंधुदुर्ग किला है, इसका निर्माण इनके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए जो नौसेना दिवस है, ये 4 दिसंबर को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, भारत की अध्यक्षता में कौन G20 का स्थायी सदस्य बन गया है? तो भारत की अध्यक्षता में जो G20 का स्थायी सदस्य बना है, अफ्रीकी संघ, सी ऑप्शन सही जवाब है। तो जो अफ्रीकी संघ है, ये भारत की अध्यक्षता में G20 का स्थायी सदस्य बन गया है। डिटेल जान लेते हैं, तो जो अफ्रीकन यूनियन है, इसको स्थायी सदस्यता मिल गई है और इस अफ्रीकन यूनियन में 55 देश शामिल हैं। जो अफ्रीकन यूनियन है, इनके अध्यक्ष हैं अजाली अशोमनी। अजाली अशोमनी अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष हैं और अफ्रीकन यूनियन को इस बार जो G20 है, इसका स्थायी सदस्य बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, नेशनल इंजीनियर डे मनाया जाता है। तो नेशनल इंजीनियर डे हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर डे मनाया जाता है।
नेशनल इंजीनियर डे, जो भारत के पहले इंजीनियर थे मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, तो इनकी याद में मनाया जाता है इंजीनियर डे। और जो राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस 2023 की थीम थी इस बार, इंजीनियरिंग फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, तो ये इस बार की थीम रखी गई। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, और इसके अलावा 10 जनवरी को हर साल विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 19 है, कहां पर भारत और फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो वरुण का 21वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है अरब सागर में। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है, अरब सागर में भारत और फ्रांस की जो द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है, वरुण का 21वां संस्करण अरब सागर में आयोजित किया गया है। डिटेल जान लेते हैं, तो भारत और फ्रांस की जो नौसेना है, इनका द्विपक्षीय अभ्यास का जो 21वां संस्करण है, तो इसका जो दूसरा चरण है वरुण, ये अरब सागर में आयोजित किया गया है। और इस बार जो वरुण 2023 का जो पहला चरण आयोजित किया गया था 16 से 20 जनवरी को, और यह भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित किया गया था। भारत और जो फ्रांस की नौसेना है, इसके बीच जो ये अभ्यास है, ये 1993 में शुरू किया गया था, और इसे 2001 में वरुण नाम दिया गया, और 2001 से इसे जो द्विपक्षीय अभ्यास है, इसे वरुण नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की वार्षिक रैंकिंग के अनुसार किस देश को सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची में शीर्ष स्थान मिला है? तो जो यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की जो वार्षिक रैंकिंग है, इसके अनुसार सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची में शीर्ष स्थान मिला है स्विट्जरलैंड को। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है, तो शीर्ष स्थान पर है स्विट्जरलैंड। तो हाल ही में जारी की गई यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की जो वार्षिक रैंकिंग है, इसमें स्विट्जरलैंड को मिला है पहला स्थान, दूसरा स्थान मिला है कनाडा को, तीसरे नंबर पे है स्वीडन, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया, पांचवे पे है संयुक्त राज्य अमेरिका। और भारत का स्थान देखें तो भारत है इस बार 30वीं रैंक पर, और पिछली बार था भारत 31वीं रैंक पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस देश ने डेकन हाई लेवल प्रिंसिपल ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन लॉन्च किया है? तो जो डेकन हाई लेवल प्रिंसिपल ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन है, तो यह भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो भारत ने इसे लॉन्च किया है। तो भारत ने जो अपनी G20 अध्यक्षता हुई, इसके तहत दो पहलें शुरू की है, जिन पर G20 कृषि प्रतिनिधि समूह के भीतर सर्वसम्मति प्राप्त हुई है। तो इसमें पहली पहल है डेकन हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, और दूसरी है बाजरा और प्राचीन अनाज पर केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय शोध पहल। तो ये दो पहल की है भारत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में किस देश ने अपने पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है? तो अपनी पहली जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है, ये की है उत्तर कोरिया के द्वारा, ये लॉन्च की गई। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, तो उत्तर कोरिया की अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है। डिटेल जान लेते हैं, तो उत्तर कोरिया ने अपने पहले टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बी को लॉन्च किया है, और इस पनडुब्बी का नाम इन्होंने रखा है हीरो किम कुन ऑक, और हीरो किम कुन ऑक इस जो न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बी है, इसका नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ऑस्ट्रेलिया में नया भारतीय उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में नया भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है गोपाल बागले को। ए ऑप्शन सही जवाब है, गोपाल बागले होंगे ऑस्ट्रेलिया में नए भारतीय उच्चायुक्त। तो जो गोपाल बागले, ये IFS अधिकारी हैं, और इन्हें ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त
हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अभी जो गोपाल बागले थे ये श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्य कर रहे थे और अब होंगे ये ऑस्ट्रेलिया के नए भारतीय उच्चायुक्त। क्वेश्चन नंबर 24 है, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो जो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 हुई है इस बार, इसमें जो भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम है इन्होंने जीता है कांस्य पदक। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो भारत ने यहां पर कांस्य पदक जीता है टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो दोस्तों ये हो गए इस वीक के करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं जरधारी क्लासेस या उत्तराखंड जीके तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप मिल जाएगा। वहां पर आपको जरधारी क्लासेस के सभी नोट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको करंट अफेयर पिछले 1 से 1.5 साल के ई बुक फॉर्म में चाहिए तो उसका लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं जरधारी क्लासेस .in और वहां पर आपको जरधारी क्लासेस के जो नोट्स हैं उन वो आपको ई बुक फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।